योगी सरकार द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के लिए चलाए जा रहे जब्तीकरण अभियान के तहत झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की करीब 1.5 अरब कीमत की संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक कुख्यात अपराधी लेखराज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर पूर्व में दर्जनों मुकदमों में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इसी क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में राजस्व विभाग और नवाबाद पुलिस टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर डुगडुगी बजाकर ऐलान कर पूर्व विधायक दीप नारायण की अर्जित की गई संपत्ति कर गोबाजी में सालासर कॉलोनी में मून सिटी के आसपास तथा अन्य चिन्हित करते हुए करीब 1.5 अरब की संपत्ति जब्तीकरण कुर्क की कार्यवाही कर दी है। अभी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम लगातार पूर्व विधायक की संपत्ति में जमीनों की जब्तीकरण की कार्यवाही को करती जा रही है। ये आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय से पारित आदेश के क्रम में ये दीप नारायण उर्फ दीपक के भूमि का कुर्की की जा रही है। ये राजस्व ग्राम करगुआ है। करगुआ में उनके इस जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं यहां पर लगभग 18 करोड़ की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की गई है। इस पे पूरे हमारे तहसील में इनकी जो भी संपत्ति है उसका आकलन करने पर जो भूमि है उसका लगभग बाजारों मूल्य 130 करोड़ रुपए हो रहा है। इनकी जो ज़मीन है ये करगुआ में है, भगवंतपुरा में है और बनगुआ है, ऐसे जहां पर अभी तक इतनी ज़मीनें हमें इनके नाम से मिली हुई हैं और कार्रवाई की जा रही है। झांसी जनपद में नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था, जिसको लेकर हम लोग लगातार परस्यू करके जो संपत्ति जब्तीकरण के कार्रवाई में प्रथम चरण में आज जो एक मुलजिम दीप नारायण उस दीपक को जो संपत्ति जब्तीकरण किया गया है, जो प्रथम चरण में नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवंतपुरा और करगुआ जी में जो मौजा में जितने जो ज़मीन है जिसका मूल्य है लगभग 130 करोड़ का है, उसको हम लोग आज कुर्क किया है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लगभग कितने मुकदमे हैं? देखिए, जो दीप नारायण उर्फ दीपक मुलजिम का खिलाफ इससे पहले लगभग 58 केसेस टोटल लिखा जा चुका है, उसमें कुछ ट्रायल में है, कुछ अभी वर्तमान में चार्जशीट लगी हुई है, तो टोटल अभी लगभग 58 केसेस। सर, दीपनाथ जी अभी कहाँ पे हैं? सॉरी, दीपनाथ जी अभी कहाँ है? दीप नारायण उर्फ दीपक तो अभी जेल में है, उनका खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का कार्रवाई की गई थी। सर, क्या चल संपत्ति पे भी जांच की जा रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी ये प्रथम चरण है, जितने सूचना हमारा पास जो प्रथम चरण में हमको अवेलेबल हुई थी उतने में हम लोग अभी कुर्क किया है। अभी आगे जैसे तहसील से और सूचना मिलेगी उसी बेसिस पे और आगे कार्रवाई की जाएगी। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।